और दोस्त क्या हाल है? पांक, पांक, पांक। रिल सॉल्व करना हर उम्र के लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो या बूढ़ा। हर किसी को तो रिडल सॉल्व करने ही चाहिए। ऐसा करने से हमारा दिमाग संतुलन में रहता है और हमें रोजाना के फैसले लेने में भी मदद करता है। तो इसीलिए आज के रिडल्स कुछ ऐसे हैं जो आपके कॉमन सेंस को बढ़ाएं। तो आप सारे रिडल सॉल्व करने की पूरी कोशिश करना और इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार जल्दी करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच पाए। मुकेश एक बहुत अच्छा शूटर है। वो एक दिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मेले में जाता है। अब वो अपनी गर्लफ्रेंड को अपने टैलेंट से इम्प्रेस करना चाहता है, इसलिए वो एक शूटिंग स्टॉल पर जाता है और दुकानदार से कहता है कि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के लिए वो बड़ा वाला टेडी बेयर जीतना है। दुकानदार बोलता है, मैं आपको 10 रुपए में 3 गोलियां दूंगा। आपको वैसे 3 गोलियों से ही 50 पॉइंट स्कोर करने हैं, जिसके बाद में मैं तुम्हें टेडी बेयर दे दूंगा। तो इन कैंस को देखकर क्या आप बता सकते हो कि मुकेश को कौन से 3 कैंस पर शूट करना चाहिए? तो दोस्त ये देखो आंसर। मुकेश सबसे पहले 25 पॉइंट्स वाले पर शूट करेगा, फिर वो 6 वाले पर, और फिर वो 19 पॉइंट्स वाले पर शूट करेगा, जिससे उसका टोटल स्कोर आसानी से 50 पॉइंट्स हो जाएगा। तरुण नेहा को प्रपोज करने जा रहा है, जिसके लिए उसने रेस्टोरेंट में एक टेबल भी बुक करी और एक महंगी अंगूठी भी खरीदी, जिसे उसने अपने कमरे की शेल्फ पर रखा है, और फिर वो किसी काम के लिए निकल जाता है। अब जब तरुण घर पर वापस आता है तो उसे वो रिंग ही नहीं मिलती। तरुण अपनी बहन अन्नू से पूछता है तो वो बोलती है कि मैं तो तुम्हारे कमरे में गई ही नहीं, पर राहुल और रोहित गए थे। राहुल तरुण का कजन है। जब तरुण राहुल से पूछता है तो राहुल बताता है कि मैं तो बाहर ही बैठा था, पर जब मैंने खिड़की से रोहित को तुम्हारे कमरे की शेल्फ से कुछ ले जाते हुए देखा तो मैं अंदर चेक करने गया तो मुझे तो शेल्फ पर कुछ नहीं मिला। रोहित जो अन्नू का बेटा है, राहुल उससे पूछता है तो वो बोलता है, सॉरी मैं आपके कमरे में गया था, पर मैं तो बस टेबल के नीचे खेल रहा था, मैंने वहाँ से कुछ भी नहीं लिया। तो दोस्त क्या आप बता सकते हो कि कौन है असली चोर? तो दोस्त इसका आंसर है राहुल, क्योंकि रोहित तो इतना छोटा है कि वो रिंग नोटिस कर ही नहीं सकता, पर राहुल तो लंबा है और वो अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। एक बार 2 अक्टूबर को राधिका का उसके घर में मर्डर हो जाता है। डिटेक्टिव 4 सस्पेक्ट से क्वेश्चन करना शुरू करता है कि वो उस दिन क्या कर रहे थे। पहला सस्पेक्ट बोलता है, मैं अपनी वाइफ के साथ हॉस्पिटल में था क्योंकि मेरी वाइफ ने हमारे बच्चे को जन्म दिया था। दूसरी सस्पेक्ट बोलती है कि मुझे ठीक से याद नहीं मैं क्या कर रही थी, पर मैं पक्का जानती हूँ कि मैंने तो किसी को नहीं मारा। तीसरा सस्पेक्ट बोलता है, मैं तो पार्सल लेने पोस्ट ऑफिस गया था। अब चौथा सस्पेक्ट बोलता है, मैं तो अपने डॉग को घुमाने ले गया था। तो क्या आप अपना डिटेक्टिव वाला दिमाग चला के बता सकते हो कि कौन है मर्डरर? तो दोस्त क्या आपको समझ में आया कि कौन है मर्डरर? नहीं आया तो ये देखो, राधिका का मर्डर तो 2 अक्टूबर को हुआ था, यानी कि गांधी जयंती वाले दिन, जिस दिन पब्लिक हॉलिडे होता है। तो फिर अब आप ही बताओ कि तीसरा सस्पेक्ट पोस्ट ऑफिस कैसे जा सकता है? मिस्टर ललित एक बहुत अमीर आदमी जो अपनी यंग वाइफ और सर्वेंट के साथ एक आलीशान घर में रहते हैं। एक बार सर्दियों के समय पुलिस को मिस्टर ललित की मेड का कॉल आता है। वो ये बताती है कि किसी ने मिस्टर ललित का मर्डर कर दिया है। पुलिस मिस्टर ललित के घर पहुंचती है और मिस्टर ललित की वाइफ से पूछती है तो वो बताती है कि मैं तो वाटर पार्क गई थी, लेकिन जब घर आई तो पता चला कि ललित का मर्डर हो गया है। वो बताती है कि जब वो घर आई तो उस समय घर पर 3 लोग मौजूद थे। पहली मेड, मेड बताती है कि जब मैं डाइनिंग टेबल को सेट करके मिस्टर ललित को बुलाने उनके रूम में गई तो मुझे मिस्टर ललित मरे हुए मिले। दूसरा था कुक, कुक बताता है, मैं तो लंच बनाने के बाद डिनर की तैयारी कर रहा था और तभी मैंने मेड की चिल्लाने की आवाज सुनी थी और वहाँ पहुंचकर मुझे पता चला कि मिस्टर ललित की तो मौत ही हो गई है। तीसरा यहाँ पर है गार्डनर, गार्डनर बोलता है, मुझे तो पता ही नहीं चला था, मैं तो गार्डन में पौधों को पानी दे रहा था।
पुलिस सबके बयान पर ध्यान से सोचती है तो उन्हें एक झूठ मिल ही जाता है। तो आप बता सकते हो क्या कि किसने झूठ बोला? तो दोस्त शायद इस आंसर को ढूंढने में आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे। तो ये देखो, यहाँ पर मिस्टर ललित की वाइफ ही झूठ बोल रही है क्योंकि उस समय ठंड का मौसम चल रहा था और ठंड में तो कोई वाटर पार्क खुला ही नहीं होता। एक बार साहिल को एक पागल किडनैप कर लेता है और उसे गांव के एक घर में बंद कर देता है। अब उसे यहाँ से बाहर निकलने के लिए 3 दरवाजों से गुजर कर निकलना होगा। उसे हर दरवाजे के पीछे एक इंसान से मिलना होगा जिसको उसने कभी न कभी चोट पहुंचाई है। पहले दरवाजे के पीछे तो साहिल की एक्स गर्लफ्रेंड है जो उसे अभी तक भूल नहीं पाई। दूसरे दरवाजे के पीछे साहिल का बिजनेस पार्टनर है जो उसे मारना चाहता है क्योंकि साहिल ने तो उसके पैसे चुराए थे। तीसरे दरवाजे के पीछे साहिल की अभी की गर्लफ्रेंड जो उसे धोखा देने के कारण मारना चाहती है। तो अब बताओ साहिल इनमें से कौन सा दरवाजा चूज करेगा? तो दोस्त क्या आपको पता चला कि साहिल कौन सा दरवाजा चूज करेगा? अगर आपको पता चला तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। तो जवाब है साहिल चूज करेगा पहला दरवाजा, एक्स गर्लफ्रेंड वाला, क्योंकि बस वो ही तो है जो उसे मारना नहीं चाहती। एक बार पुलिस को कॉल आता है कि एक यॉट पर मर्डर हो गया है। उस यॉट का मालिक राज पर यानी कि अपने बेटे पर मर्डर का इल्जाम लगाता है कि उसी ने उसकी नई वाइफ को मारा है। पुलिस जल्द से जल्द मौके वारदात पर पहुंचती है। उन्हें वहां विक्टिम की बॉडी भी मिलती है। यॉट का मालिक बताता है कि मोना कुछ दिनों से काफी बीमार चल रही है जिस वजह से वो दवाइयां खा रही थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर पता चला कि राज ने मोना पर गोली चलाई थी, पर फिर भी यहां पर पुलिस उसे जेल में नहीं डाली। अब बताओ ऐसा क्यों? तो दोस्त पुलिस ने राज को इसलिए अरेस्ट नहीं किया क्योंकि जब उसने मोना पर गोली चलाई थी तब मोना पहले ही मर चुकी थी क्योंकि उसने सारी दवाइयां खा के सुसाइड कर लिया था। एक बार रात में कुछ क्रिमिनल्स का गैंग एक वैन में टीवी लोड कर रहे थे जो वो एक गोदाम से चुरा रहे थे। तभी अचानक से उन्हें पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई पड़ी, पर इससे पहले वो कुछ कर पाते पुलिस वहां पहुंच गई और तो और पुलिस ने उन्हें देख भी लिया पर फिर भी उन्हें अरेस्ट नहीं किया। अब बताओ क्यों? ऐसी क्या ट्रिक करी उन चोरों ने जो पुलिस ने उन्हें अरेस्ट ही नहीं किया? इसका आंसर कमेंट जरूर दें। तो दोस्त इसका आंसर समझ में आया क्या? अगर नहीं तो कोई बात नहीं। ये देखो, जब पुलिस ने उन चोरों को देख लिया तो वो सारा सामान गोदाम में वापस डाले और पुलिस के पूछने पर वो बोले कि हम तो डिलीवरी करने में लेट हो गए हैं इसलिए तो इस टाइम डिलीवरी कर रहे हैं साहब। एक बार एक पार्क में दानिश की डेड बॉडी मिलती है। एक आदमी वहाँ से जा रहा था, उसे जब डेड बॉडी दिखती है तो वो तुरंत ही पुलिस को फोन लगाता है और डेड बॉडी के बारे में बताता है। पुलिस क्राइम सीन पर पहुंचती है और पार्क में छानबीन करती है। उन्हें दानिश की पॉकेट में उसका फोन मिलता है। पुलिस हर उस इंसान को कॉल करती है जिसने उसे उस दिन कॉल किया था और सबको पार्क में बुला देती है। चारों के चारों सस्पेक्ट पार्क में आ जाते हैं और पुलिस को बेंच पर खून से एक कोड लिखा मिलता है और पुलिस कोड को सॉल्व कर लेती है और किलर को अरेस्ट कर लेती है। तो क्या आप बता सकते हो कि कौन है किलर? तो क्या आप कोड क्रैक कर पाए? अगर नहीं तो ये देखो, कोड में हर अल्फाबेट के साथ -1 लिखा था यानी कि उसके पीछे वाला लेटर। तो फिर अब तो आप समझ ही गए होंगे कि कौन है असली मर्डरर। एक बार सारा अपने घर की खिड़की के पास बैठकर आराम कर रही थी जब उसने अपने सामने वाली बिल्डिंग में एक आदमी को एक लड़की पर छुरा घोंपते हुए देख लिया। और जो सबसे डरावनी बात थी वो ये थी कि किलर ने भी सारा को देख लिया जब वो सुन पड़ी हुई। अब वो अपना चाकू सारा की ओर करता है और ऊपर नीचे करने लगा। तो बताओ वो ऐसा क्यों कर रहा है?
दोस्त, इसका आंसर ये कि किलर चाकू ऊपर नीचे करके ये चेक कर रहा है कि सारा कौन से फ्लोर पर है। तो दोस्त, कैसे लगे आपको ये रिडल्स, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना।